पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो एवरीवन, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ड्यूलक्स टॉप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का IPO। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना ना भूलना है। तो एवरीवन दोस्तों, देखो ये IPO का सीज़न चल रहा है, ठीक है, पर देखो बहुत सारे IPO आ रहे हैं, ठीक है, पर मैं दोस्तों उस IPO में वीडियो बना रहा हूँ जो IPO इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा, आपका हार्ड इन मनी होता है, इसलिए बोल रहा हूँ आप IPO से, तो आप अपने एनालिस के हिसाब से अपना एनालिस खुद करिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद रखिए, रिवॉर्ड के हिसाब से ही आप IPO में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना ना भूलना है। और दोस्तों डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि IPO चल रहे हैं तो आप उसको भी ओपन करवा सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है, कि इसकी लिस्टिंग मतलब पूरी इस IPO में क्या चल रहा है, सबसे क्या चल रहा है, ठीक है, सब कुछ आपको बताता रहता। तो क्या करना है, आपको टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है एवरीवन। तो दोस्तों सब कुछ आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। पर हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या, इसमें बताऊँगा मैं आपको, इसमें जो ये ड्यूलक्स जो IPO आ रहा है, इसमें ये कंपनी करती क्या, पहले ये बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इसका GMP क्या चल रहा है वो बात करूँगा, फिर इस कंपनी के फाइनेंसिस की बात करूँगा, फिर IPO की डिटेल की बात करूँगा, और लास्ट में हम पाँचवा बात करेंगे कि इस IPO में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप करोगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए या लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पूरा एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है। पर ये दोस्तों मेरा पर्सनल एनालिसिस होगा, ठीक है, बाकी इसके हिसाब से आप रिक्वायरमेंट मैट नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, बाकी अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैंने पहले ही बोला है, एनालाइज करिए। और ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है, ये मेरा खुद का पर्सनल है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस IPO का नाम बताया, ड्यूलक्स टॉप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। आप देखते इस कंपनी करती क्या है पहले, ठीक है, वेट ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी लगभग 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी करती क्या है, जो आपने देखे होंगे घरों के अंदर या स्कूलों के अंदर जो टाइल्स जैसी, मतलब आर्टिफिशियल टाइल्स, मतलब पेपर से लगे रहते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाकी दोस्तों देखो, और बाकी जैसे ब्रांड्स, जैसे टू ब्रांड्स है ये, ठीक है, नॉर्मली लग्जरी, ठीक है, ये सब आप ये कंपनी ये ब्रांड मतलब अपना बनाती है, ठीक है। बाकी इस कंपनी में ज़्यादा मतलब छोटी सी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा आपको, जैसे आपने बहुत से घरों के ऊपर देखा होगा जो मतलब नकली से मतलब वो लगा के रखते हैं लोग, मतलब अच्छे से जैसे रूफ लगा रखते हैं, दीवार दीवार सब ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। बाकी इस कंपनी के ज़्यादा ये कंपनी में ज़्यादा ये भी एक तरीके के देखो 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि इसके लोकेशन इसकी VP गुजरात में है, और जो कंपनी लगभग सितंबर 25 में, ये अभी कंपनी में लगभग अभी भी 70 एम्प्लॉई है, मतलब ये कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत कंपनी है, छोटी है, ठीक है। ये कंपनी की बात करें, बाकी इसकी हम एसेट की और डेटा की बात करते हैं, ठीक है। वेट देखो, ये कंपनी का भी देखो जो प्रीवियस ईयर में डाटा दिया गया है, इसमें अगर हम इसमें एसेट की बात करें, इसमें एसेट हमें ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने के लिए मिली, जो कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये जो हमारे जो एसेट दिए गए हैं, इसमें लाखों में दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ना, ये 7 लाख, ठीक है, और ये जो आपको दिखा गया है ये लगभग 7.5 लाख से ऊपर, ठीक है। तो ये सिर्फ ये जो हम ये हम बता रहे हैं आपको, ये है सिर्फ लाखों में वैल्यू दी गई है, ठीक है। बाकी इसके रेवेन्यू की बात करें, इसका रेवेन्यू भी लगभग ईयर और ईयर बढ़ा है, ठीक है। बाकी इसके प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स की बात करें, ये भी एक तरीके का लगभग बहुत इंक्रीज हुआ है, बहुत फटाफट, ठीक है, 40x से लगभग 10x से भी ज़्यादा ही बढ़ा है, ठीक है, जो कि हमारे लिए भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसकी नेटवर्थ की बात करें, ये भी ईयर उन्हें लगभग सही ग्रोथ देखने के लिए हमें इसमें भी मिल रही है। बाकी इसकी रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, जो कि इसका रिजर्व एंड सरप्लस भी है, ये भी लगभग मतलब इसके ऊपर उधारी है, वो उधारी लगभग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 900 उसकी रिजर्व की बात करें, जिसमें रखा हुआ है मतलब कैश है, वो लगभग इनका बहुत कैश रखा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे पास इसमें क्या हुआ, तो मैं 2022 से लेकर 23 में
ग्रोथ तो मिली है, पर जो जो है हमारा 2022 में था और जो 2024 में था इसमें हमें कम देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, बाकी टोटल बोर्ड की बात करते हैं, जिनके पास उधारी है इसके पास उधारी लगभग बहुत उधारी है। ठीक है, बाकी इसकी मैंने बताया और जो हाँ दोस्तों इसका GMP क्या चल रहा है, पहले आप ये सुनिए, उसका GMP चल रहा है लगभग 36%। कितना चल रहा है? 36%। बाकी दोस्तों GMP मैंने बताया ये सिर्फ अंदाज़ा होता है, इससे आपको लिस्टिंग के हिसाब से पता चलता है कि लोग कितने इसमें FII और इसमें लोग कितने मतलब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। बाकी दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशन वो बताया ना मैंने, ये ऊपर नीचे होता रहता है, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं आपको डेली अपडेट्स देता रहता हूँ कि मतलब इसका GMP क्या चला, जैसे बहुत सारे IPO आ रहे हैं। ठीक है, और भी दोस्तों IPO बहुत सारे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, जिससे आपको वीडियो को प्रॉपर वीडियो मिलती रहे। बाकी देखो अब कंपनी की डिटेल की बात करते हैं, कंपनी 19 तारीख को, देखो ये 19 तारीख को ओपन ये हुआ है IPO और 21 जून को ये ओपन क्लोज हो जाएगा। बाकी आसान इसका भी आसान IPO, आसान लोन का भी IPO आप आया है, जो कि आपको इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको क्या एंड स्क्रीन में भी मिलेगा। बाकी लिस्टिंग डेटा भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फेस वैल्यू की बात करें जो कि इसकी 10 पर शेयर है। ठीक है, इसका प्राइस बैंड का की बात करें जो कि 65 से लेकर 68 तक है। ठीक है, बाकी इसकी लॉट साइज की बात करें 2000 शेयर्स है इसमें। टोटल इशू शेयर्स की बात करें जो कि इसके 40 करोड़ है। जो कंपनी जो ये फ्रेश इशू है जो मतलब कंपनी अपने वर्क के लिए लेगी, जो उसमें से 28 लाख रुपये अपने उसके लिए लेगी। बाकी ऑफर पर शेयर से जो कि 12 करोड़ आपको दिखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये जो IPO लिस्ट होगा वो होगा NSE पे लिस्ट होगा। ठीक है, बाकी कंपनी बहुत स्मॉल कंपनी है। ठीक है, बाकी इसमें और वेट अभी आप पास बात करते इसका ROE की बात करते हैं, जो कि 20% 26% है लगभग, सही है। ठीक है, बाकी इसकी ROE इसकी बात करते हैं ये भी लगभग है। अब अगर हम इसकी डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं ये भी एक माइनस पॉइंट है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, बाकी इसकी ROEW की बात करते हैं ये भी हमारे 20 है, वो भी सही है। ठीक है, बाकी इसके पैट पी भी बात करते हैं। ठीक है, बाकी इसका पैट मार्जिन भी लगभग सही है। ठीक है, पापा दोस्तों देखो आपको वीडियो को अंदर जरूर देखना, मैं बताऊंगा आपको IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो अब इसमें हम बात करते हैं इस IPO की, जैसे मैंने बताया ना ये IPO कब ओपन हो रहा है, 19 तारीख को। ठीक है, जैसे आसान अनलिमिटेड का IPO ओपन हो चुका है। ठीक है, उसका भी मैंने बताया आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। बाकी इसका क्लोज की बात करते हैं, जो क्लोज होगा 21 तारीख को इसका क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट जो मिलेगी लोगों को वो मिलेगी 24 तारीख 24 तारीख को मिलेगी, और जो जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी उसे रिफंड हो जाएगा वो भी 25 तारीख को, और जिसे अलॉटमेंट मिल जाएगी उसके 25 तारीख को डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट तो होगा नहीं आपके पास, तो आप क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो डीमेट अकाउंट। ठीक है, बाकी लिस्टिंग डेट क्या है इसकी, 26 तारीख इसकी लिस्टिंग डेट है। तो दोस्तों देखो मेरे हिसाब से तो अब मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एनालिसिस क्या है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें इस कंपनी के सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको ये सुनिए। तो दोस्तों देखो पहले हिसाब से पहले तो ये कंपनी बहुत स्मॉल कंपनी छोटी कंपनी है। ठीक है, और लगभग इस कंपनी में बहुत अभी इसका फ्यूचर पता नहीं होगा कैसा होगा कि नहीं होगा, पर हाँ दोस्तों इसलिए अगर इसके हमने फाइनेंशियल तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है इस कंपनी के, बहुत लो है। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो मैं इसको अवॉइड करूँगा, आप अपना पर्सनल एनालिसिस खुद करिए, आप अपने हिसाब से बताइए अगर आप इसमें IPO में इन्वेस्ट करने वाले हो तो क्यों करने वाले हो, हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और लिस्टिंग के हिसाब से करोगे आप या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से तो आप अब इसको अवॉइड करिए, क्योंकि इसके हिसाब से ये कंपनी ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, हम ऐसे इस कंपनी में से पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है, बाकी कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दोस्तों मैंने इसमें बताया आपको ड्यूलक्स कंपनी का IPO। ठीक है, बाकी इससे पहले मैंने आपको बताया अब आपको इस एंड स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा आसान लिमिटेड का IPO, तो आप इस पर क्लिक करके आप जरूर इसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।